बैंगन का भरता, सलाद, अचार, पूरी कंप्लीट थाली देते हैं। 8-10 साल से यहाँ पे चाय बना रहे हैं और कहा जाता है कि भोपाल के लोग दूध में तरफ चाय भर देते हैं। ये कैसे आपको मतलब गर्म लगता नहीं है इसमें इतना बोलते हैं तेल में? का ले रहे हैं भोपाल में मंगोरे का और साथ में राजू भाई की स्पेशल चाय। एक हरी चटनी है और एक मीठी चटनी। चाय वो कह सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पकाई गई है काफ़ी देर तक। अच्छा पूरे दिन चलती है सिर्फ ना। तो ये भोपाल का बहुत ही प्रसिद्ध जायका, सुबह के टाइम पे आपको हर एक जगह की और जलेबी की। हम आए हैं मारवाड़ी रोड और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इसके नीचे गर्म पानी है और इसके भाप से ये गर्म होती रहती है, साथ में ऊपर में जलेबी के साथ सर्व करते हैं। मीठी वाली चटनी जो बनाई है आपने, इसमें क्या क्या डालते हैं मीठी चटनी में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा, बहुत ही ज़बरदस्त स्वाद है। इसमें हल्का शक्कर भी है, थोड़ा मीठा भी है। और बहुत ही फेमस यहाँ पे मिठाई की दुकान है जिसका नाम बर्फी हाउस है। और सुना आपकी बादाम केक बहुत फेमस है, वो बनाया जाता है, ऊपर में चांदी की वर्क है। और कितनी पुरानी दुकान है ये आपकी? 40 साल तक काफ़ी पकाया जाता है। उसके बाद इतनी मिठाई है, ठीक है, बहुत ही बिल्कुल सॉफ्ट छेने की मिठाई, इसको खीर गरम बोलते हैं। हाँ। दाल तो अलग से देंगे ना, दाल, कड़ी, लड्डू, बैंगन का। ये मेरे को याद है मैंने मेरी फेवरेट रबड़ी डाली गई है, ठंडी रबड़ी, ठंडी रबड़ी, ठंडा गरम मिठी रबड़ी, साथ में ऊपर नारियल का पूरा और टेप का फर्क है। गुलाब जामुन आप लाइट और नॉन ग्रीजी, नॉन ग्रीजी मेरे को समझ नहीं आता क्या कर रहा है। वहाँ से उनकी जर्नी चालू हुई है, लोगों ने इतना पसंद किया उनको। अच्छा भोपाल जा रहा हूँ सागर करे, सबसे पहले सागर करे आपको आना ही है। मैं भी आपको कह रहा था कि भोपाल के लोगों में